इस FMT में हम आज देखेंगे यूथनेशिया। तो यूथनेशिया क्या होता है? प्रोड्यूस पेनलेस डेथ ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम होपलेस इनक्यूरेबल एंड पेनफुल डिसीज यूजुअली टू रिसीव फ्रॉम द सब रिलीव फ्रॉम द सफरिंग। इसका मतलब ये है कि किसी भी ऐसे इंसान को जिसकी जो बीमारी है वो इनक्यूरेबल है, उसके जीवन में कोई आशा नहीं है, उसे पेनलेस डेथ प्रोवाइड, दर्द बिना दर्द के मौत प्रोवाइड करना, पेनलेस डेथ प्रोवाइड करना, उसे यूथनेशिया कहा जाता है। जिससे कि वो पेशेंट उसकी सफरिंग से रिलीफ पा सके। असिस्टेड सुसाइड क्या होता है? डॉक्टर नॉलेज हेल्प समवन टू एंड देयर लाइफ बाय पेनलेस मेथड, जिसमें डॉक्टर हेल्प करे उसे असिस्टेड सुसाइड कहते हैं। पर जो यूथनेशिया है उसमें पेनलेस डेथ फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम होपलेसली इनक्यूरेबल पेनफुल डिसीज, होपलेस है, इनक्यूरेबल डिसीज सफ़र कर रहा है, जो कि रिलीव चाहता है उसकी सफरिंग से, उसे पेनलेस डेथ प्रोवाइड की जाती है। सिनोनिम्स क्या क्या है इसके? तो इसे मर्सी किलिंग भी कहा जाता है, फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड भी कहा जाता है। इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री, एक्टिव, पैसिव, पीडियाट्रिक, कंपलसरी, जियाट्रिक। अब वॉलेंट्री, जब वॉलेंट्री में क्या होता है, व्हेन डाइंग पर्सन वॉलेंट्री गिव कंसेंट, जब मरने वाला इंसान कंसेंट देता है, कंसेंट मतलब वो कंसेंट दे के यूथनेशिया चाहता है, फॉर एक्ट द रिक्वेस्ट करता है मर्सी किलिंग की। नॉन वॉलेंट्री, इन दिस टाइप द डाइंग पर्सन इज अनेबल और इनकेबल टू, जो डाइंग पर्सन है वो अनेबल है, वो उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो कंसेंट दे सके, अनेबल टू रिफ्यूज़ कंसेंट, या किसी कंसेंट को रिजेक्ट कर सके या कंसेंट लिख के दे सके, बिकॉज ऑफ अनकॉन्सियसनेस, क्योंकि वो अनकॉन्सियस है या कोमा में है। तो तब जब कोई पर्सन जैसे कि कोमा में हो, अनकॉन्सियस हो, तब वो जो बिना कंसेंट के कंसेंट नहीं दे पा रहा है, तब उसे नॉन वॉलेंट्री कहते हैं। कंपलसरी, यहाँ पे जो सोसाइटी या स्टेट, कोई भी सोसाइटी या कोई भी स्टेट डिसीजन लेती है कि किसी भी पर्सन की लाइफ को टर्मिनेट किया जाना चाहिए, तो उसे कंपलसरी कहते हैं। एक्टिव, इस टाइप की यूथनेशिया में जो डॉक्टर है वो पेनलेस डेथ प्रोवाइड करता है किसी भी पर्सन को, मतलब एक्ट ऑफ कमीशन में, कैसे, जैसे कि मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा देता है पर्सन को जिससे उसकी डेथ हो जाती है, या बारबिट्यूरेट का लेथल डोज दे देता है, यानी कि उसे जो नहीं करना चाहिए था वो किया, एक्ट ऑफ कमीशन, लास्ट डोज दे दिया, तो उससे एक्ट ऑफ कमीशन। पैसिव में क्या होगा? यहाँ पे जो डॉक्टर है, एक्ट ऑफ ओमिशन में आता है, यहाँ पे जो डॉक्टर है उसे जो करना चाहिए था वो नहीं किया, जैसे कि वेंटिलेटर देना था लाइफ सपोर्ट के लिए तो वो नहीं दे पाए, लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा, या किसी पर्सन की डेथ जो है वो डॉक्टर की वजह से होती है, जहाँ पे डॉक्टर कुछ भी नहीं करता, नथिंग टू सेव द लाइफ, लाइफ को बचाने के लिए कुछ नहीं करता, हमेशा एक्ट ऑफ ओमिशन। पीडियाट्रिक टाइप का यूथनेशिया चिल्ड्रंस के केसेस में देखा जाता है, और यूथनेशिया इज एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन। और जेरियाट्रिक टाइप का यूथनेशिया, इसमें ओल्ड इंडिविजुअल के लिए जो होता है उसे जेरियाट्रिक। यूथनेशिया स्टेटस इन इंडिया तो लीगलाइज नहीं है इंडिया में, सेक्शन 309 ऑफ IPC में इसे बताया गया है, सेक्शन 306 ऑफ IPC और आर्टिकल 21।